नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो के हाइब्रिड मॉडल के बारे में। मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो का हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने वाली है, जिसके टेस्टिंग मॉडल को भी इंडिया के अंदर टेस्ट करते हुए देखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो भी फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स के ऊपर इसके इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर जो पेट्रोल कार जो भी होती है उसके पेट्रोल इंजन के अलावा इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक मोटर फिट होती है इसके व्हील्स के ऊपर, जो कि आपको 30 से 50 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाती है। लेकिन मारुति सुजुकी जो हाइब्रिड वर्जन देखा गया, उसके फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। हालांकि जो भी नॉर्मल हाइब्रिड होती है उसके अंदर आपको फ्रंट या फिर रियर दो ही व्हील्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी बलेनो अपनी जो मारुति सुजुकी बलेनो है उसका नेक्स्ट ईयर तक इसका फैसिलिटी मॉडल लॉन्च होने वाला है, और इसी फैसिलिटी मॉडल के साथ ही इसकी हाइब्रिड जो है हाइब्रिड मॉडल को लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले लॉन्च नहीं होने वाली है। तो इसके फैसिलिटी मॉडल को भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से कवर किया गया है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट कल के वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात कर ले तो इसके हाइब्रिड मॉडल के बारे में, तो इसके अंदर आपको कंपनी 48 वोल्टेज की इलेक्ट्रिक मोटर देने वाली है, जो कि आपको मारुति स्विफ्ट के अंदर भी देखने को मिली थी। लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा पावर आउटपुट और ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगी कंपेयर टू मारुति के अदर जो भी कार्स के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको कई सारे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ज़्यादा पावरफुल रहेगी कंपेयर टू अलग अदर जो भी इसकी सेगमेंट की जो भी कार्स है या फिर मारुति सुजुकी की जो भी कार्स है उसके अलावा। तो अगर आप भी मारुति सुजुकी हाइब्रिड को भी लेने की सोच रहे हैं तो इसे लॉन्च होने में अभी फिलहाल काफ़ी टाइम है। इसे 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर लॉन्च किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि इसे 2022 के ऑटो एक्सपो में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके फैसिलिटी में आपको कई सारे डिज़ाइन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे रियर टेल लैंप्स में बिल्कुल नई डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसके इंटीरियर में भी आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और फीचर्स में भी चेंज रहेगा। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन वो मिल जाए। इसी के साथ ही हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सभी न्यूज़ और अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंडियन ऑटोमोबाइल से जुड़ी सभी जो है वो न्यूज़ जो है वो आप या फिर अपडेट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद।